हेलो एस्पिरेंट्स, आज की मैपिंग की सीरीज़ में हमारा टॉपिक होगा पोर्ट्स ऑफ इंडिया। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। तो हमारे पास है, इंडिया के पास इन टोटल 12 कोस्टल स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, लेट्स चेक देम फर्स्ट। तो हमारे पास नॉर्थ से शुरू करते हैं, हम आती है पहले गुजरात। ये स्टेट्स में सबसे बड़ी बाउंड्री बनाता है। इफ़ वी आस्क कि स्टेट्स में कौन बनाता है, आगे मैं बताती हूँ वैसे। देन महाराष्ट्र, देन वी हैव गोवा, देन वी हैव कर्नाटका, फॉलोड बाय केरला। ये सारे हमारे वेस्ट कोस्ट बनाते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट कोस्ट, वी हैव वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय उड़ीसा, उड़ीसा, देन वी हैव आंध्र प्रदेश, देन वी हैव तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये सारे हमारे ईस्ट कोस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं वेस्ट कोस्ट, ये ईस्ट कोस्ट। अब आप सोच रहे हैं ये तो 9 ही हुए। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव 3 यूनियन टेरिटरीज एज वेल, दैट इज लक्षद्वीप, द्वीप, देन वी हैव पहले के है LKSH लक्षद्वीप, देन वी हैव अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, एंड दादर एंड नगर हवेली, एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे 12 कोस्टल स्टेट्स। तो जैसे मैंने बताया था कि गुजरात हमारा स्टेट में सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, वेयर एज अगर हम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को इंक्लूड करते हैं तब हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री होती है अंडमान एंड निकोबार की। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कोस्टल स्टेट्स हैं तो पोर्ट्स हमारे यहाँ पे होंगे, एंड पोर्ट्स हमारे एंशियंट हिस्ट्री से ही काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो आपको याद होगा कि लोथल हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमारे पास पोर्ट था। ठीक है, ये कहाँ पे था, ये था हमारा गुजरात में। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ पोर्ट्स। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करते हैं कि पोर्ट्स की, तो ये है हमारा पोर्ट्स का मैप। ठीक है, हम एक एक पोर्ट्स के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है हमारा कांडला पोर्ट। ठीक है, तो कांडला पोर्ट है हमारा, इसको हम ऑल्सो नोन एज दीन दयाल पोर्ट। ठीक है, ये हमारा टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट मतलब ये होता है कि जैसे देखो यहाँ मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये हमारा मान लो बीच है। ठीक है, यहाँ पे टाइड्स आ रही हैं, तो एक बार ये होगी कि ये हाई टाइड्स बनेंगी तो ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, इट विल कम हियर। जब लो टाइड होगी तो पानी हमारा यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, तो जो टाइडल पोर्ट्स होते हैं ना, वो बड़े सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अगर वो पोर्ट में हों। क्योंकि देखो, अगर जब हाई टाइड होगी तो बोट हमारी यहाँ तक आ जाएगी, राइट, पर जब वही पानी वापस रिट्रीट करेगा, अब बोट को यहाँ पे सेट होने में का मौका मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो टाइडल पोर्ट हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो ये टाइडल पोर्ट है हमारा, इट इज़ इंडियाज बिगेस्ट पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग कार्गो,
जिसकी वजह से ये एक वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट भी है, बिजिएस्ट पोर्ट, एंड ये हमारा ट्रेड फ्री जोन में आता है, ट्रेड फ्री जोन। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमें कांडला पोर्ट के बारे में पता होने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू मुंबई पोर्ट, तो मुंबई पोर्ट को हम इधर लिखेंगे मुंबई। तो ये हमारा, इसको हम बॉम्बे पोर्ट भी बोल सकते हैं, बॉम्बे पोर्ट। देन ये एक हमारा नेचुरल हार्बर है, नेचुरल हार्बर। देन ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, नॉट ओल्डेस्ट बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। एंड ये हमारा क्रूज टूरिज्म के लिए भी फेमस है, क्रूज टूरिज्म, ठीक है। अगर अब हम बात करें तो इसी के नीचे आता है हमारा JNPT, कलर चेंज करते हैं ब्लू। तो JNPT मुंबई के नीचे आता है एंड इट इज बेसिकली हेल्पिंग मुंबई पोर्ट कि उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। विल डू JNPT हियर। तो JNPT जिसको जिसका फुल फॉर्म है जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। इसको हम नवा शेवा भी बोलते हैं, नवा शेवा पोर्ट। एंड ये लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, हैंडलिंग पोर्ट, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास आ जाता है गोवा में। गोवा में हमारे पास कौन सा है, मरमुगाव पोर्ट, ठीक है। तो मरमुगाव, MOR मुगाव पोर्ट के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि पहली बात तो ये गोवा में है एंड दूसरा ये रिवर जुआरी के ऊपर है। इसको हम ऐसे भी जुआरी भी लिखते हैं, तो दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, डोंट गेट कन्फ्यूज, जे और जेड दोनों यूज़ होते हैं। तो अब मेरे को आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जुआरी जो रिवर है उस पे अभी लेटेस्ट ब्रिज बना है, ठीक है। तो वो कैसा ब्रिज है, लाइक हाईएस्ट लॉन्गेस्ट कुछ सिग्निफिकेंट है, सुपरलेटिव है, तो आप मेरे को बताइएगा कि ये कौन सा ब्रिज है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कोची पोर्ट, कोची पोर्ट ये है हमारा केरला में एंड ये एक नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट। एंड ये वेम्बनाड लेक पे है, वेम्बनाड लेक पे, ठीक है। वेम्बनाड लेक बहुत सिग्निफिकेंट रोल देखती है अपना केरला में। एंड अगर हम बात करें तो कोची को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं, तो कोचिन के बारे में हमें ये याद होना चाहिए, इट इज़ ऑन वेम्बनाड लेक एंड ये एक नेचुरल पोर्ट है एंड इसी को ही हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ, आई हैव फॉरगॉटन वन पोर्ट ओवर हियर, दैट इज़ न्यू मैंगलोर पोर्ट। यहाँ आता है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट हम नीचे कवर करते हैं, न्यू मैंगलोर पोर्ट ये आता है हमारा कर्नाटका में एंड ये रिवर गुरु पूरा के ऊपर बना है। ये सेवेंथ लार्जेस्ट है इन इंडिया एंड इसको हम
पनाम्बर पनाम्बूर पोर्ट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पनाम्बूर पोर्ट। ओके, तो अब हम जाएंगे अपने ईस्ट कोस्ट पे। तो ईस्ट कोस्ट में सबसे साउथ में आता है हमारा टूटीकॉन पोर्ट। टूटीकॉन पोर्ट के बारे में है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज वी ओ चितम बर बर नार पोर्ट। ठीक है, ये एक मेजर पोर्ट है इन तमिलनाडु एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। लार्जेस्ट मैंने क्या बताया था, कौन सा है? द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इज़ हमारा JNPT पोर्ट। ठीक है, एंड ये हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, इट हैंडल्स कोल फूड ग्रेन सॉल्ट शुगर विद द नेबरिंग कंट्री, क्योंकि देखो यहीं पे हमारा आ जाएगा श्रीलंका, तो ये बहुत पास पड़ता है, तो इससे हम सप्लाई करते हैं टू श्रीलंका। मूविंग फॉरवर्ड टू चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट के बारे में, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ठीक है, इसको हम मद्रास पोर्ट भी बोल सकते हैं, मद्रास पोर्ट। एंड ये लार्जेस्ट पोर्ट है हमारा बे ऑफ बंगाल में, लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो ये 1881 में बना था एंड इट इज़ द थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट। अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला हमारा, जैसे ओल्डेस्ट पोर्ट की बात करें तो दैट विल बी कोलकाता, सेकेंड विल बी मुंबई एंड थर्ड विल बी चेन्नई। अगर हम देखो हिस्ट्री से रिलेट करते हैं तो सबसे पहले हमारी ट्रेडिंग जो है कोलकाता से हम लोगों ने पोर्ट्स पे काम करना शुरू करा था, देन जब ब्रिटिशर्स ने मुंबई पे बनाया एंड देन हम मद्रास में आए थे। ठीक है, तो ये हमारी क्रोनोलॉजी रहेगी। एंड 1983 में ये फर्स्ट डेडिकेटेड 1983 में फर्स्ट डेडिकेटेड कंटेनर टर्मिनल बना था, कंटेनर टर्मिनल। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट हमारा क्या मेजर पोर्ट में ओनली प्राइवेट पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट। ठीक है, प्राइवेट पोर्ट इन द सेंस कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर की है बजाय गवर्नमेंट की, बाकी सारे जो पोर्ट्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली मेजर पोर्ट, ओनली प्राइवेट पोर्ट। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट होगा दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो नोन एज कामराजर पोर्ट, कामराजर पोर्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें, तो विशाखापट्टनम एक नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट। इसकी डीपनेस ज़्यादा होने की वजह से ना इट हेल्प्स इन क्या, मतलब इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर पोर्ट। ठीक है, एंड क्या कहते हैं इसको, हाँ ये एक ऐसा पोर्ट है कि ये थ्री हार्बर सिस्टम पे काम करता है, लाइक पहला हो गया इनर, फिर हो गया आउटर एंड तीसरा हो गया फिशिंग हार्बर। तो ये एक इकलौता है जिसमें तीन हार्बर्स हैं, दैट इज़ इनर आउटर एंड फिशिंग। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स पैरादीप। तो पैरादीप आता है हमारा उड़ीसा में,
उड़ीसा में, नियर चिल्का लेक, चिल्का लेक एंड ऑन रिवर महानदी, महानदी। तो ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए पैरादीप के बारे में, दैट इज़ इट लाइज इन उड़ीसा नियर चिल्का लेक एंड हमारी रिवर महानदी पे आती है। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट की, इसको हम एक साथ पढ़ते हैं बिकॉज दे वर्क एज ट्विन पोर्ट सिस्टम, पोर्ट सिस्टम। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोलकाता का बर्डन कम करने के लिए हमने हल्दिया का पोर्ट बनाया है, ठीक है। तो कोलकाता पोर्ट को हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। यह एक हमारा रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट जो कि रिवर हुगली पर पड़ता है। मुझे ये बताइए हुगली किसके डिस्ट्रीब्यूटरी है? इट इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ मैं, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो सारी मिलकर रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। बट अगर एक स्ट्रीम या वाटर की जो धारा है वो अलग हो जाती है मेन रिवर से, देन इट फॉर्म्स अ ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो ये हमारी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, रिवर हुगली, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायमंड हार्बर पोर्ट। तो ये सारा नॉलेज हम लोगों को इंडिया के पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने सारा एक स्लाइड में ले आई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, आप इस मैप को अपनी एक कॉपी में बना लें तो दैट विल बी मच मोर बेटर। बाकी आज के लिए इतना ही, इफ़ कोई सजेशंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल मीन अ लॉट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद।